जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और इसको देखेंगे कि किस तरह से भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो देखिए, यह एक जटिल सिद्धांत है, लेकिन देखिए इसको हम आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देते हैं। आज के बाद आपको दूसरा किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। देखिए, मानसून को एक हवा कहा जाता है, या फिर वैसी हवा जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशाओं को बदल देता हो। देखिए, दिशाओं को बदल देता है, एक प्रकार की हवा होती है, और हवा आप को पता है कि वायुदाब में अंतर होने से उत्पन्न होती है। दो जगहों में जब वायुदाब में अंतर होगा तो वहाँ पे हवाएं चल पड़ती है। कैसे होता है, कहीं पे अगर हाई प्रेशर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर कैसे बनेगा, जब लो टेम्परेचर होगा। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ रही है, बहुत नगण्य है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ लो टेम्परेचर है। और वही किसी दूसरे जगह पे, मान लेते हैं कि इस जगह पे, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, इंसुलेशन की मात्रा ज़्यादा है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, जिसको कहेंगे हाई टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर के कारण वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर कहने का ये मतलब है कि वहाँ की हवाएं गर्म होकर के सीधे ऊपर उठ जाती है। जब हवाएं ऊपर उठ जाएगी हल्की होकर के, तो आसपास की जो हवाएं होती है वह उस खाली स्थान को भरने के लिए दौड़ पड़ती है, क्योंकि वहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई तो स्थान तो खाली हो गया, तो लो प्रेशर बन गया। तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर बनेगा, और आपको पता है कि हवाएं हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और अगर दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा अंतर होगा तो बहुत तेज गति से हवा चलेगा, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही हवाएं चलती है। अब प्रेशर ग्रेडियंट के पीछे का मेन कारण है तापमान में अंतर होना। दो जगहों के बीच का तापमान जब अंतर होता है, तभी एयर प्रेशर में भी अंतर पैदा हो जाता है, तो उसको कहेंगे थर्मल ग्रेडियंट। अगर दो स्थान के बीच में तापमान में अगर ज़्यादा अंतर हुआ, जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही ज़्यादा अंतर प्रेशर में हो जाएगा, एयर प्रेशर में, और हवाएं भी उतनी तेज गति से चलेगी, तो उसको बोलते हैं थर्मल ग्रेडियंट। अब आपको हम समझा देते हैं कि भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, मानसून को एनर्जी भी कहा जाता है। अभी आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वह सिर्फ हवाएं ही नहीं बल्कि एनर्जी भी होता है। और आपको हम बता दिए थे कि मानसून दो प्रकार का होता है, एक है ग्रीष्मकालीन मानसून, एक है शीतकालीन मानसून। पहले हम लोग ग्रीष्मकालीन मानसून को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद शीतकालीन मानसून को देखते हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून कहने का सीधा मतलब हुआ कि गर्मी में जो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है, उसी को कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। उसको एक और नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि सूरज जो है ना, वह एक जगह ही स्थिर होता है, और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम जाती है, तो जिसके कारण जो है ऋतुओं में बदलाव आता है। साथ ही साथ आपको पता है कि पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे, और इसके कारण भी ऋतुएं बदलती है। इससे होता क्या है कि सूर्य का आभासी स्थानांतरण कभी कर्क रेखा की तरफ होता है, और फिर बाद में फिर मकर रेखा की तरफ भी होता है। एक समय होता है मार्च और सितंबर का, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधी चमकता है, एकदम जब उसका सीधा चमकता है, तो जिसके कारण उसकी किरणें भी एकदम सीधी पड़ती है, और इस भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्र में लो प्रेशर वाला क्षेत्र बना रहता है। ये सालों भर लगभग इस तरह से स्थिति होती है। लेकिन जून का एक महीना होता है जब सूरज का आभासी स्थानांतरण कर्क रेखा की तरफ हो जाता है, जिससे सूर्य की जो किरणें होती है वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, सीधी चमकती है, जिसके कारण इंसुलेशन की मात्राएँ भी बढ़ जाती है। कर्क रेखा देखिए भारत के बीचों बीच गुजर रही है, और जून का महीना है, तो क्या होगा कि यहां पे सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी, जिससे यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि हाई टेम्परेचर अगर यहां पे रिकॉर्ड हुआ तो लो प्रेशर हो जाएगा यहां पे। साथ ही साथ आपको पता है लो प्रेशर कैसे बनेगा, यहाँ की हवाएं गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर के वह सीधे ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे कन्वेक्शनल करेंट भी चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शनल करेंट, CC लिख दिए हैं। साथ ही साथ इससे और क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र में एक ITCZ का एक क्षेत्र होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उसको बोलते हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। एक्चुअली क्या होता है, वो वैसा क्षेत्र होता है जो दो
विपरीत हवाओं को अलग करता है, इधर के साउथ के ट्रेड को और नॉर्थ के ट्रेड को। इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, इधर कहते हैं ट्रेड ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि दो व्यापारिक पवनों को यह अलग करने वाला एक जोन होता है, वहीं पे दोनों हवाएं जो है पहुंचती है और उसके बाद गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दो विपरीत हवाओं को अलग करने वाला एक क्षेत्र होता है, वह भी खिसक करके कहां पहुंच जाएगा, कर्क रेखा की तरफ पहुंच जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि यहां पे ITCZ आ गया। अब आपको ITCZ में क्या हो रहा है, हवाएं तो गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो यहां पर भी वही चीज होगा। अब इससे होता क्या है कि साउथ में, साउथ की जो पवने होती है वह इस लो प्रेशर की ओर चल पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए समर का महीना है, जून का महीना है, समर ऋतु है जिसको बोलते हैं समर सीजन। इसमें कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकेगा, उसकी किरणें जब सीधी पड़ेगी, यहाँ हाई इंसुलेशन प्राप्त होगा, हाई टेम्परेचर होगा, जिसके कारण लो प्रेशर बन जाएगा, कन्वेक्शन करेंट ऊपर उठेगा, जो गर्म हवा ऊपर उठती है ना उसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, सीधे वह ऊपर वर्टिकल उड़ जाता है। लेकिन जो हवाएं ऐसे ऐसे चलती है, जो क्षैतिज चलती है, जो आपको लगता है जब आप कहीं जाते हैं तो हवाएं जो चलती है, जो आपको अनुभव होता है वो क्षैतिज हवाएं होती है, कन्वेक्शनल करंट नहीं होता है, कन्वेक्शन करंट तो सीधे ऊपर उठ जाएगा। तो जो आपको लग रहा है पुरवैया पछुआ या फिर कोई स्थानीय पवन जो होती है या मौसमी पवन होती है, जिस तरह की मौसमी पवन है आपका ये है मानसून है, तो उस तरह की हवाएं को आप फील करते हैं, कन्वेक्शन करंट को नहीं करेंगे, वो तो सीधे ऊपर उठ करके चला गया। और यहीं पर ITCZ वाला क्षेत्र भी आ गया। तो इसके कारण क्या होता है कि साउथ की हवाएं जो है ना इस तरफ खींच करके चली आती है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हो जाता है, एकदम धोकनी की तरह यहाँ से हवाएं गर्म होकर के सीधे वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती रहती है कन्वेक्शन करंट के रूप में, 48 डिग्री टेम्परेचर। और साउथ में जब देखेंगे आप लगभग 15 से 20 डिग्री, साउथ में 15 से 20 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश में देखेंगे तो वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो किरणें सीधी पड़ नहीं रही है, तिरछी पड़ रही है, सीधी तो यहाँ पड़ रही है, अब सीधी यहाँ पड़ रही है तो यहीं से कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ गया। और साउथ में क्या है कि यहाँ पे लगभग 22-23 डिग्री या 24-25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है लगभग 24 से 25 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर है, 15 से 20 डिग्री साउथ में हिंद महासागर के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ तो हाई प्रेशर बन जाएगा, आपको पहले ही बताए थे यहाँ हाई प्रेशर बना हुआ है, और जिसके कारण यहाँ से हवाएं चल पड़ेगी किधर, लो प्रेशर की तरफ। अब वो लो प्रेशर की तरफ जो जाएगी तो सीधे यहाँ से यहाँ पे नहीं पहुँचेगी, उसके पीछे का कंडीशन होता है कि कैसे पहुँचेगी। देखिए पृथ्वी घूर्णन करती रहती है पश्चिम से पूरब, जिसके कारण हवाओं पर एक बल लगता है, और उस बल जो है वह उसका डायरेक्शन को बदल देता है। कहा जाता है कि साउथ के पवने जब भूमध्य रेखा को पार करके नॉर्थ की तरफ आएगी तो उसकी दिशाएं बदल जाएगी, और उसकी दिशाएं जो है दाहिने तरफ हो जाएगी, यानी दाहिने तरफ उसका झुकाव हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि ये फेरेल का नियम भी है कि उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है। साथ ही साथ आपको कोरियोलिस का भी नियम है, पृथ्वी जब घूम रही है तो वो भी उसको फेंक देता है, वाइज बैलेट ने भी इसको बताया था। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब सूरज यहाँ सीधे पड़ रहा है, यहाँ सीधे कर्क रेखा तक आ चुका है और यहाँ पे जो है किरणें एकदम सीधी पड़ रही है, तो क्या क्या हो रहा है। एक ITCZ वाला जो एक क्षेत्र होता है वह सिर्फ कर्क रेखा पर ही नहीं होता है, बल्कि लो प्रेशर जो होता है वह काफ़ी नॉर्थ तक बन जाता है, लगभग 30 डिग्री के आसपास, ऐसे 30 डिग्री के आसपास हो जाता है, इस तरह से ऐसे समुद्र की ओर यह झुका रहेगा, लेकिन स्थल की ओर वह और ज़्यादा नॉर्थ वार्ड हो जाती है, और ज़्यादा उत्तर की तरफ ये खिसक जाता है, क्योंकि स्थल है ना, स्थल है तो और ज़्यादा गर्म हो गया, ऊपर से यह मरुस्थल है, स्थल तो ही है, ऊपर से मरुस्थल है। साथ ही साथ एक और फैक्टर काम करता है, कहा जाता है कि हिमालय जो है ना, ये जो पूरा हिमालय फैला हुआ है, ये आप देख रहे हैं इधर अराकान योमा है, ये हिमालय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मी के महीने में, जून का महीना है, बहुत गर्म हो जाएगा, और आप जानते हैं कि हिमालय पे बर्फ होता है, वो बर्फ क्या करता है ना कि जब सूरज की किरणें इस पे सीधी पड़ती है तो उसको सीधे रिफ्लेक्ट करके ऊपर की ओर भेज देता है, उसको सीधे वायुमंडल में उस एनर्जी को पहुंचा देता है, उसको छोड़ देता है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। और कहा जाता है कि यहाँ 80% एल्बिडो हो जाता है हिमालय पे, क्या हो जाता है हिमालय पे, इसको बोलते हैं हिमालयाज
80% जो है यहाँ से एल्बिडो हो जाता है, ऊपर चला गया एनर्जी। साथ ही साथ एक और फैक्टर है, एक तो हो गया थार का रेगिस्तान, दूसरा हो गया हिमालय, और तीसरा हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार भी बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत विस्तार है उसका इस पूरे एरिया में, और वह लगभग 5000 मीटर तक ऊंचाई भी रखता है उसका, कहीं कहीं ऊंचाई 5000 मीटर है, 4000 मीटर है, इस तरह से बहुत ऊंचा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि तिब्बत का भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से भूमिका होती है मानसून की उत्पत्ति में। तो इसके लिए विद्वानों ने काफ़ी रिसर्च किया और ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई कि तिब्बत का पठार मानसून की उत्पत्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होता क्या है कि जून के महीने में यहाँ पे सूरज चमक रहा है, जिससे यहाँ भी टेम्परेचर, तिब्बत के पठार पर भी टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो गया, और बहुत हाई होने के कारण यहाँ से भी कन्वेक्शन करेंट उठेगा जो सीधे आकाश के ऊपर वायुमंडल के तरफ चला गया। अब जो ऊपर चला गया वायु जो ऊपर जा रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि थार के मरुस्थल, हिमालय और ये यहाँ से वायु उठ करके सीधे ऊपर जा रही है कन्वेक्शन करंट बन करके। तो ऊपर जब जाएगी वो, तो कितना दूर तक जाएगी, वह लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर जा करके, जब वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर जब ऊपर जाती है, तो ऊपर क्या होता है कि वायु विरल होता है, तो वह वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका डायरेक्शन जो है वह चेंज हो जाता है, और वह साउथ की तरफ बढ़ पड़ती है 2 से 3 किलोमीटर ऊपर, जिसको बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। और वह साउथ की तरफ जा करके, और वह जब भूमध्य रेखा के ऊपर पहुंचती है यहाँ पे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और भूमध्य रेखा के साउथ में वो चला जाएगा, उसका डायरेक्शन जो है अपने बाएं तरफ घूम करके वह 15 से 20 डिग्री वाला जो क्षेत्र है हिंद महासागर, वहाँ उतरेगा, लेकिन उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है वो, यहाँ पे उतरेगा और यहाँ से वह फिर ट्रेड बन करके, साउथ का ट्रेड बन करके वह कहाँ पे आती है, वह भूमध्य रेखा तक आएगी, और भूमध्य रेखा तक आ करके वह फिर जो है, जब जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेगी, उत्तरी गोलार्ध में आएगी, उसका डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, और वह साउथ की आपको दाहिने तरफ हो जाएगा, और दाहिने तरफ होकर के वो भारत की तरफ बढ़ेगा, ये देख रहे हैं ना, अरब सागर की तरफ और बंगाल के खाड़ी की तरफ। तो इसको कहते हैं मानसून, इस साउथ वेस्ट मानसून, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन विद्वानों ने कहा कि 2 से 3 किलोमीटर ही नहीं, 2 से 3 किलोमीटर जो ऊपर उठती है कन्वेक्शन करेंट, वहाँ से जो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो वह बहुत कम मात्रा में होता है, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। एक्चुअली असली कारण क्या है कि थार के मरुस्थल, हिमालय के एल्बिडो और तिब्बत के पठार का जो एनर्जी है वह 11 से 12 किलोमीटर ऊपर चला जाता है, यहाँ से उठ के सीधे 11 से 12 किलोमीटर ऊपर, और ऊपर जा करके कन्वेक्शन करंट जेट के रूप में यहाँ से ये साउथ की ओर चला जाएगा, साउथ की ओर भी एकदम से साउथ की ओर नहीं, बल्कि उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, देखिए यहाँ से उठा देते हैं और यहाँ से देखिए ऐसे डायरेक्शन उसका होगा, यहाँ से उठा तो इस तरह से कलकत्ता और बेंगलुरु होते हुए वह उसी के ऊपर से आ रहा है, देख लीजिए इस तरह से यहाँ से उठा और इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो इससे उसका डायरेक्शन आप ज्ञात कर सकते हैं कि किधर भाग रहा है, साउथ और वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट समर जेट, इसी का नाम है नॉर्थ ईस्ट समर जेट, इसको जेट बोलेंगे, इधर आ रहा है। जब इधर आएगा, जब जैसे ही भूमध्य रेखा के ऊपर रहेगा और जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करके साउथ में जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब वह उसका डायरेक्शन बाएं तरफ घूम जाएगी वह हवा, और बाएं तरफ घूम करके वह 15 से 20 डिग्री के साउथ अक्षांश तक जब पहुंचेगी, 15 से 20 डिग्री हिंद महासागर के आसपास, तो वहां से वह नीचे की ओर उतरेगी, क्योंकि वहां उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और नीचे उतरेगी वह, यहां पे आके डिसेंडिंग हो जाएगी और यहां पे नीचे उतरेगी, और नीचे उतर करके वह धरातल पे जब उतर जाएगी, तो धरातल से वह चलना शुरू करेगी, हिंद महासागर के तरफ से वह फिर से चलना शुरू करेगी भूमध्य रेखा की तरफ, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड, यहाँ से जो चलेगी उसको बोलेंगे ट्रेड विंड, और वही ट्रेड भूमध्य रेखा को पार करके भारत की तरफ आएगी, उसको बोलेंगे मानसून, इसी को बोलते हैं समर मानसून, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी का नाम होगा। देखिए कैसे हुआ, ये कौन सी विंड है, ये ट्रेड विंड है, कहाँ की ट्रेंड है, साउथ की ट्रेंड है, यह इसको हम लिख देते हैं, ये है आपका ट्रेड ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर ये है। देखिए आप इसको समझे होंगे, एक बार और इसको हम समझा देते हैं आपको। जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत आ जाता है, तो होता क्या है
कि वहाँ पे किरणें एकदम सीधी पड़ती है, जिसके कारण ITCZ जो है वह क्षेत्र खिसक करके लगभग 30 डिग्री नॉर्थ तक चला जाता है, क्योंकि उस समय यह पूरा थार का जो रेगिस्तान है, जो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और ये पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र काफ़ी गर्म हो जाता है। साथ ही साथ हिमालय का एल्बिडो वह भी एनर्जी का काम करता है, और यहाँ तिब्बत का पठार वह भी एनर्जी वायुमंडल में छोड़ देता है, और यहाँ ऊपर उठ करके 2-3 किलोमीटर वाला एक एंटी ट्रेड चलता है जो कि बहुत ही कम शक्तिशाली होता है, ज़्यादा मात्रा में कन्वेक्शन करंट उप करके 11 से 12 किलोमीटर ऊपर चला जाता है, और वहाँ जा करके वह जेट बन जाएगा। जेट बन करके वह भारत के साउथ की तरफ चल पड़ेगा, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होगा वह नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होगा, और वहाँ से चल करके वह भूमध्य रेखा तक पहुँचेगा। भूमध्य रेखा तक जो पहुँचेगा तो पृथ्वी का कोरियोलिस फोर्स उस पर लगेगा, जिसके कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वह बाएं तरफ घूम जाएगी, और 15 से 20 डिग्री वाले अक्षांश तक वहाँ पे, चूँकि टेम्परेचर कम है, वह नीचे उतर जाएगी, और नीचे उतर करके समुद्र के रास्ते से ही वह ट्रेड बन करके फिर से भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी, वह नीचे ही नीचे चलेगी और वहाँ पे नमी उठा लेगी, नमी धारण कर लेगी, और वहाँ से वह जब भूमध्य रेखा तक पहुँचेगी तो वहाँ पे फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा, और वह दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ करके भारत की तरफ चलेगा, और अरब सागर और मानसून की शाखा बन करके भारत में पहुँच जाएगा, और उसके बाद वह हिमालय से टकरा करके वर्षा करना शुरू कर देगा। इसी को बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। जब मानसून यहाँ आती है और केरल वाला क्षेत्र में, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में आकर के टकरा करके यहाँ वर्षा करने लगती है, तो उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून आ चुका है, प्रारंभ हो गया, इसी को कहते हैं। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अब आप समझिए कि विंटर जब आता है, यानी विंटर कब आएगा, जब भारत में सर्दी पड़ेगी। भारत में सर्दी कब पड़ेगी, जब सूर्य जो है वह मकर रेखा पे सीधे चमकेगा, और कर्क रेखा से यहाँ हट करके मकर रेखा पे पहुँच गया, तो मकर रेखा पे सीधे चमकेगा, तो मकर रेखा पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, वहाँ से कन्वेक्शन करेंट उठेगा, ITCZ वहाँ तक खिसक के चली जाएगी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब सारी जो क्रियाएँ जो यहाँ पे कर्क रेखा में समर में हो रहा था, वही क्रियाएँ मकर रेखा पर दिसंबर के महीना में होगा। ये जून के महीना में हो रहा था, वहाँ दिसंबर के महीना में होगा। अब पूरा हवाओं का क्रम बदल जाएगा। अब क्या होगा कि इस वाला पूरे क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, थार वाला क्षेत्र में और भी इस वाला क्षेत्र में, और तो इस यहाँ से हवाएं जो, चूंकि हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ से हवाएं स्थल मार्ग से होते हुए फिर समुद्र के होते हुए वह साउथ की तरफ चला जाएगा, और इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र में वर्षा नगण्य होती है, नहीं होती है, लेकिन जब वही आपको शीत ऋतु वाला जो मानसून है, जिसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून, ये दक्षिण पश्चिम है, इसको बोलेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून, जब इधर से चल करके इधर आएगी, आपको पता है कि इधर तक आएगी, यहाँ तक आएगी स्थल से, तो वर्षा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जब आएगी तो वह समुद्र में आ गई, और समुद्र में से वहाँ से आर्द्रता उठा लेगी, ह्यूमिडिटी को उठाएगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका 100% हो जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु वाला क्षेत्र में आकर के उससे वर्षा होगा। तो जाड़े में तमिलनाडु के तटीय जो आप देख रहे हैं ना, पूर्वी तटीय क्षेत्र में वर्षा इसीलिए हो जाती है क्योंकि लौटते हुए मानसून से उस पर वर्षा हो जाती है, और विंटर वाले मानसून से भी वर्षा यहाँ पे हो जाती है। देखिए इसको हम चित्र के माध्यम से बता देते हैं। यहाँ से जो कन्वेक्शन करेंट उठ रही है ना, इसको हम बना देते हैं कि अब यहाँ तो कैसे बनेगा, 3D है ना ये, तो यहाँ से उसको उठा करके हम इधर ले जाते हैं। यहाँ से समझिए कि हवाएं ऊपर उठ रही है ऐसे, तो यहाँ से हवाएं किधर उठ रही है, इधर उठ रही है, ये ऊपर उठ रही है, और यहाँ से वह जेट बन करके हम यहाँ पे उठा करके यहाँ से जेट बना के यहाँ पे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे बना नहीं सकते हैं ना आकाश में, इसलिए हम यहाँ बना दिए। यहाँ से वह जेट इधर आ जाएगी ऐसे, उसका डायरेक्शन ये है, इसी को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट समर जेट। इसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट समर जेट, तो इसको आप समझ गए नॉर्थ ईस्ट समर जेट। और ये जब भूमध्य रेखा पे आती है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आती है, भूमध्य रेखा ऊपर ही है, वहाँ से वह इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फेरल के नियम के अनुसार वह अपने बाई ओर मुड़ेगी, और वह कहाँ उतरेगी, 15 से 20 डिग्री अक्षांश के ऊपर उतरेगी, 15 से 20 डिग्री साउथ अक्षांश के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर, और यहाँ से
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बना देगी ना, ऊपर से हवा उतर रही है, तो यहाँ से हवाएं क्या करेगी, वह ट्रेड के रूप में चल पड़ेगी भूमध्य रेखा की तरफ। और यह हवाएं जो ट्रेड के रूप में चलेगी भूमध्य रेखा पर, जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेगी उसका डायरेक्शन अब इस साइड में नहीं होकर के इस साइड में हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की से चल करके वह उत्तर पूरब की तरफ हो जाएगा उसका डायरेक्शन। इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और यही मानसून अरब सागर की शाखाएं बनेगी और उसके बाद इस वाले रास्ते से जाएगी, तो इसको बंगाल के खाड़ी की शाखा बोलेंगे। इस तरह से ये आगे बढ़ेगी, यहाँ पे पश्चिमी घाट से टकरा के वर्षा करेगी, और ये यहाँ वाला जो मानसून है बंगाल के खाड़ी वाला, वो जाएगा मेघालय के पठार में, वहाँ वर्षा करेगा, उसके बाद हिमालय से टकरा के पूरे इस साइड में भी वर्षा करेगा। आपको पता है ना कि वर्षा कराते हुए इधर की हवाएं पंजाब और हरियाणा की तरफ बढ़ेगी, पश्चिम की तरफ बढ़ेगी, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का फेरल का नियम नहीं है, बल्कि उसका कारण ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है, इसके कारण हवा इधर से खींच करके यहाँ पे पहुँच जाती है, और ये क्रम चलते रहेगा। यहाँ से गर्म हो करके कन्वेक्शन करंट उठते रहेगा, और इधर से मानसून जो है भारत में आकर के वर्षा कराती रहती है, ये क्रम चलते रहता है कुछ दिनों तक। खास करके आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त और सितंबर, ये तीन महीना जो होता है इसमें, जून जुलाई अगस्त और सितंबर भी, उसमें वर्षा ज़्यादा होता है। अब आपको एक बार हम ग्लोब पर भी बता देते हैं, इसको आप अच्छे ढंग से समझ जाइए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको देखिए, ये भारत है, यहाँ पे देखिए जून का महीना है, ये कर्क रेखा पे, यहाँ पे सूरज सीधे चमक रहा है, और जिसके कारण यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो गया, कन्वेक्शन करंट उठ रहा है, ITCZ यहाँ खिसक के आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ के उठ रही, उसको कन्वेक्शन करंट बोलेंगे, और वहाँ से हवाएं जो है वह साउथ की तरफ बढ़ गई, खास करके साउथ और वेस्ट की तरफ, उसको बोलेंगे समर जेट, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट समर जेट, क्योंकि ईस्ट के तरफ से आ रही ना, इसलिए नॉर्थ ईस्ट समर जेट। उसका अगर आप अक्ष खोजेंगे कि कहाँ से कहाँ उसका निकलता है, तो ये आप देखेंगे कि कलकत्ता से बंगलुरु की तरफ वो बढ़ रही है, ऐसे ऊपर है, ऐसे बढ़ करके अब भूमध्य रेखा की तरफ आ गई, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, तो उसका डायरेक्शन अब इधर नहीं जा सकता है, वो इधर भागेगा, क्योंकि उसका साउथ दक्षिणी गोलार्ध में उसका डायरेक्शन बाएं तरफ हो जाएगा, तो वो बाएं तरफ मुड़ जाएगी, और बाएं तरफ मुड़ करके 15 से 20 डिग्री पे जा करके वह नीचे उतरेगी, यहाँ टेम्परेचर कम है इसलिए, अब नीचे उतरेगी और यहाँ पे हाई प्रेशर बना देगी, और हाई प्रेशर बेल्ट से यहाँ से हवाएं जो है धरातल से चलना शुरू करेगी ट्रेड विंड के रूप में, और वो भूमध्य रेखा तक पहुंचेगी। भूमध्य रेखा से इस पार में नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा को पार करते हुए उसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा, दाहिने तरफ मुड़ जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम दिशा से यह किधर जाएगी, यह नॉर्थ और ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगी, इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और इसी से भारत में वर्षा होता है, और धीरे धीरे इस लो प्रेशर की तरफ बढ़ चलेगी, ऐसे ही इसका क्रम रहता है। ये समर मानसून है, और विंटर में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपको पता है ना, विंटर में जो सूर्य है वह मकर रेखा पे सीधे चमकेगी, जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा है, इसके बीच में चमकता रहता है सूरज, तो इसके कारण क्या है कि इस जगह पे लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ से कन्वेक्शन करेंट उठेगा, और यहाँ पे ITCZ खिसक के आ जाएगा, तो जिसके कारण क्या है कि यहाँ से कन्वेक्शन करंट ऊपर उठेगा, तो इसका तो उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा क्रम, और इस साइड में चूंकि टेम्परेचर कम है जिसके कारण हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ की हवाएं धरातल से चल करके वह साउथ की तरफ बढ़ेगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए, देखिए यहाँ से जितना तेज गति से कन्वेक्शन करंट उठेगा ना, उतना ही तेज गति से जेट चलेगी, और उतना ही तेज गति से जब जेट चलेगी तो उतना ही तेज गति से नीचे उतरेगा, और जितना तेज गति से नीचे उतरेगा उतने तेज गति से ट्रेड को चलाएगा, और जितना ट्रेड तेज गति से ट्रेड चलेगी उतना ही दक्षिण पश्चिम मानसून तेज गति से भारत की तरफ प्रवेश करेगा, और उतना ही तेज गति से वह अपने साथ आर्द्रता लेकर के भारत में वर्षा करेगा, और वह फिर उस क्षेत्र में लो प्रेशर वाला क्षेत्र में फिर वह आएगा, वहां तक पहुंचेगा वह वर्षा कराते हुए। तो इसको आप समझे, देखिए एक बार और इसको समझिए, जितना तेज यहां से कन्वेक्शन करंट उठेगा, कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा यहां ढीकेगा, जितना ज़्यादा तपत हो जाएगा, जितना ज़्यादा यहां टेम्परेचर इंसुलेशन हो जाएगा, जितना ज़्यादा इस क्षेत्र को गर्मी करेगा, जितना ज़्यादा इसको गर्माएगा उतना ही तेज गति से कन्वेक्शन करंट उठेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर नहर से सिंचाई कर देता है कभी कभी इंदिरा गांधी कैनाल से,
तो कभी कभी कन्वेक्शन करंट उतना तेज गति से नहीं भी उठ सकता है, या फिर हिमालय पे अगर देर ठंडा में बहुत समय तक बर्फ गिरते रह जाता है तो उस समय कहा जाता है कि मानसून कमज़ोर हो जाता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि उतना एल्बिडो नहीं हो पाता है और उतना एनर्जी आकाश में नहीं जा पाता है, जिसके कारण मानसून कमज़ोर हो जाता है। तिब्बत का पठार भी पर्याप्त रूप से गर्म होना चाहिए, वहाँ भी अगर बहुत देर समय तक सर्दी में स्नोफॉल होता रहा तो वह भी इतना ज़्यादा तप्त नहीं हो पाता है जून के महीना में, जिसके कारण मानसून की जो दृढ़ता होती है वह कमज़ोर हो जाता है, उतना ताकतवर नहीं रहता है। तो जितना तेज गति से यहाँ ये स्थल खंड पूरा धिकेगा उतना ही तेज गति से कन्वेक्शन करंट उठेगा, और उतना ही कन्वेक्शन करंट तेज गति से उठेगा उतना ही तेज गति से वह जेट चलेगी, उतना ही तेज गति से वह जेट को उसको चलना है, और वह जेट जब चलेगा वहाँ से एकदम तेज गति से तो भूमध्य रेखा पे आकर के वहाँ से डायरेक्शन चेंज होकर 15-20 डिग्री पे आके उतरेगा और एकदम साए साए धाए धाए यहाँ पे उतर रहा है, और यहाँ पे ट्रेड को कहेगा चलो, उसको धक्का देगा, कहेगा चलो रे चलो, जब तेज गति से चलो, तुम तेज गति से चलो, उसको धकियाएगा, इस सही से धकियाएगा। तो जितना तेज गति से धकियाएगा, देखते हैं जोर से धक्का देगा, धड़ सीना उधर चले जाइएगा, तो जोर से इसको धकियाएगा, यहाँ से वो पवन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून बन करके वह भारत की ओर चलेगा। और अगर मान लेते हैं कि उस समय उतना ज़्यादा तेज गति से कन्वेक्शन करंट नहीं उठेगा तो क्या होगा, एकदम धीरे धीरे लुसुर लुसुर एकदम धीमे धीमे यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठेगा, फिर धीमे 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 यहाँ पे साउथ की तरफ बढ़ेगा, धीमे धीमे जो है वह 15-20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे उतरेगा, धीमे 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 उतर रहा है, और यहाँ से धीमे धीमे ट्रेड को चलाएगा साउथ हेमिस्फीयर का, फिर वह भूमध्य रेखा को पार करते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून बन करके धीरे 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 भारत की ओर बढ़ेगा, एकदम लुसुर 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 ऐसे कर करके पहुँचेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, जैसे लगता है ना कुपोषण का शिकार हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दूध कटुआ इस तरह से हो गया, उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है। इसीलिए ना कहे थे कि मानसून एक प्रकार का एनर्जी भी है। UPSC ने एक बार क्वेश्चन भी किया था कि मानसून को आप क्या समझते हैं, वह एक प्रकार का एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ से नहीं उठता है एनर्जी तो कैसे आपका वो मानसून भी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे भी मानसून बहुत सेंसिटिव है, इस पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, जैसे एल नीनो का भी प्रभाव पड़ता है इस पर, और आपको पता है सदर्न ओसिलेशन, ऐसे ऐसे बहुत सारे, इधर थार का मरुस्थल है, हिमालय है, जेट स्ट्रीम है, इन सभी चीज़ों का असर इस पे पड़ता है, तिब्बत के पठार वगैरह सबको। तो 16 पैरामीटर है जो मानसून को प्रभावित करता है। मानसून बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो संवेदनशील है, तुरंत प्रभावित हो जाता है धरातल के फैक्टर से भी, और वायुमंडल में जो जेट स्ट्रीम है उससे भी ये काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।